हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, टर्निंग इन एंड परसेप्शन। तो ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हैं एज वेल एज आप लोगों की भी एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले हम आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है काफी टाइम तक एक ऐसे परसेप्शन में जी रहे थे जहां पर इनको लगता था कि अब आपके लिए ये कोई डिजायर नहीं बिल्टअप कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये रिलेशनशिप ना आगे बढ़ सकता है, ना ही यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन है, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, यू नो। इनकी थिंकिंग इस वे में चला करती थी एंड इनको पता था कि अब ये आपको कभी डिज़ायर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, जो भी डिसअग्रीमेंट्स हुए थे और एक हार्ट ब्रेक, लॉस, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप रही है, उसके चलते उम्मीद यहाँ पर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन इनको ये बात जानकर काइंड ऑफ काफी डीप वे में इनको एक शॉक फील हुआ है कि वापस से ये डिजायर आपके लिए फील कर पा रहे हैं। इस बात के परसेप्शन को इन्होंने चेंज किया है, इस बात को देखने का नजरिया इनका बदला है। दे आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ, मतलब अब ये आपके बारे में डिजायर करते हैं, और जो जो भी ख्वाहिशों को इन्होंने त्याग दिया था ड्यू टू सो मेनी रीजंस, यहाँ पर सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन्होंने क्यों इस डिजायर को त्याग दिया था या फिर क्यों इस डिजायर से ये वॉक अवे हुए थे, यू गाइज नो इट वेरी वेल फाइन, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ खत्म सा हो गया था आप दोनों ही के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसा शिफ्ट यहाँ पर आया है जो कि हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं गाइज, कि मैस्कुलिन्स को एक काइंड ऑफ अ डीप वे में एक रियलाइजेशन यूनिवर्स ने करवाई है। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड दे आर सून गोइंग टू टेक सम एक्शन हियर। तो परसेप्शन किसी भी वे में बदल रहा हो इनका, वो परसेप्शन आप ही की तरफ इनको पुश करवा रहा है। और जब हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हटाकर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो सच में हमें चीजें अलग सी नजर आती हैं। एक ही पैटर्न में देखना एक स्टैग्नेशन है। और अगर आप भी ऐसा कर रहे थे इस पर्सन को लेकर, इन एनर्जीज को अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो आपने भी सोच लिया था कि इस पर्सन के साथ अब आपका सब कुछ खत्म है, फाइन, अब आप इस पर्सन को ना ही कोई मौका देना चाहोगे, उल्टा आप शायद इनसे भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चीजें आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी हुई कि आप इस पर्सन के पास वापस दोबारा से लौटना चाहते हो। अगर आपने कलेक्टिवली चीजों को या फिर इवेंट्स को एक अलाइनमेंट में रखकर सोचा है, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में कमबैक करना कुछ हुआ होगा, फाइन, कुछ आपकी भी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया होगा जहां से आपको एक डीपेस्ट वे में रियलाइजेशन मिली है, अवेकनिंग हुई है। जब आप किसी चीज से टकरा जाते हो तब आपकी आंखें खुल जाती हैं, वरना आप एक ही धुन में चलते जाते हो। एक बोलते ना, ठोकर लगनी चाहिए, जब आपको ठोकर लगती है तभी आपकी आंखें खुलती है, तब आप रास्ते को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ जा रहे थे या फिर आपको कहाँ पर जाना है। तो यही ठोकर आपने भी सेंस की होगी गाइस, और आपके पर्सन ने भी सेंस की होगी। दोनों ही के परसेप्शंस बदले हैं, और ये परसेप्शन सिर्फ आप दोनों का एक दूसरे को लेकर ही नहीं था, इस लाइफ को लेकर था। अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, चीज़ें आप दोनों के बीच में शायद इस हद तक बिगड़ गई थी कि वहाँ से लौटना अब दोनों ही के लिए मुश्किल था, दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन जस्ट थैंक्स टू द यूनिवर्स, इस पर्सन के साथ आपकी कंप्लीशन जुड़ी हुई थी, या फिर इस पर्सन के साथ अभी भी आपका एक जस्टिस बाकी था। जस्टिस मैं इसलिए कह रही हूँ, एक गिव एंड टेक, गिव एंड टेक किसी भी वे में हो सकता है, एक कार्मिक गिव एंड टेक भी हो सकता है। और अगर आपका इन पर किसी भी वे में राइट आपको मिलना है, और अगर इनका आप पर किसी भी वे में हक बनता है, तो इनको भी इनका राइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक राइट की बात आ रही है, और यही परसेप्शन था कि अगर आपने वॉक अवे होने की कोशिश भी की थी तो यूनिवर्स ने आप लोगों को वापस से एक दूसरे के करीब लाया है। तो यू गाइज आर ब्रॉट बैक टूगेदर, नेचुरली ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, और आपने एक डिज़ायर या फिर इनके ऊपर गिव अप आपने कर दिया था,
इस पर्सन के लिए एक डिजायर आपने गिव अप कर दिया था, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो वो डिजायर दोबारा से जाग उठा है आपके दिल में और आप इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट करने लगे हो। तो ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं गाइस, तो रिमेम्बर वन थिंग, इट इज नॉट यू कि ये सब आपने शिफ्ट क्रिएट किया है, ये यूनिवर्स का एक प्लान है, कॉस्मिक प्लान मैं कह सकती हूँ। कॉस्मिक प्लान इसलिए कि आप दोनों के बीच में अभी भी एक अनफिनिश्ड सिम्फनी बाकी है, इस लाइफ टाइम में अभी भी आप दोनों का एक गिव एंड टेक बाकी है। अगर आप दोनों ने काफ़ी एक लॉन्ग रिलेशनशिप स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, काफ़ी टाइम आप लोगों ने अगर गुजारा है, तो आपने बहुत सारी पेनफुल एज वेल एज हैप्पी मेमोरीज क्रिएट की होंगी एक दूसरे के साथ। तो जितना पेन है उतनी ही एक हैप्पी मोमेंट्स भी होंगे आप दोनों के बीच में। तो आपको शायद वही सारी विजुअलाइजेशन हो रही होगी, एक एक इवेंट आपको याद आ रहा होगा, एक एक कन्वर्जेशन शायद आपको याद आ रही होगी, इस पर्सन के बारे में सब कुछ आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, देर नेम, देर वॉइस, इनकी आवाज़, इनका नाम और वो पर्टिकुलर से लम्हे, यू नो, जहाँ पर जो भी कन्वर्जेशन हो रही थी, जिस जो भी वो वक्त था, वहाँ पर किस टॉपिक पर आपकी कन्वर्जेशन हुई थी और वो कैसे टर्न हुई थी, सारी बातें, यू नो, सारी बातें जब आप एक टर्निंग इन वाली एनर्जीज में जाकर सोच रहे हो, यानी कि यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू द वर्ल्ड, दुनिया से हट के अगर आप दोनों ने ही एक लोन टाइम लिया है अपने अपने लिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है गाइज। जो लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और जिन लोगों की वजह से आप इस पर्सन से दूर हो गए थे, उन लोगों के लिए भी आपका परसेप्शन बदला है। और शायद मैं ये इनके लिए भी कह सकती हूँ, अगर इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया था, उन लोगों की जो भी इम्पोर्टेंस इनको पहले जो शो हुआ करती थी, वहाँ पर इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। तो कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर और उसी वजह से आप दोनों के अंदर वो जो एक डेड डिज़ायर या एक मरी हुई उम्मीद दोबारा से जी उठी है, यू नो। अब देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ट्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ट्स, टेन ऑफ कप्स। तो इन सारी एनर्जीज के साथ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके पर्सन ने या फिर आपने एक दूसरे की तरफ टोटली एक गिव अप वाली एनर्जीज शो कर दी थी गाइस। आप दोनों ने लिटरल वर्ड्स एक्सचेंज किए होंगे कि आप यहाँ से वॉक अवे हो रहे हो, सब कुछ खत्म है, यू नो, सब कुछ खत्म करके आपने अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में प्रोसीड होने की कोशिश की और काफी हद तक आप लोग सक्सेसफुल भी रहे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ अचीव नहीं किया या फिर आपने कुछ हासिल नहीं किया, आपने अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक अबंडेंट वे में हासिल भी किया होगा, सब कुछ अपने सेट करने की कोशिश भी की होगी अपने अपने एंड्स पर। लेकिन वो जो डिजायर है, वो जो एक दूसरे के साथ जो भी अनफिनिश्ड जो सिम्फनी है, उसको आप कैसे भुला सकते हो? यहाँ पर यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था, भले ही उस वक्त आप दोनों का अलग हो जाना ही शायद सही था, लेकिन आपको कुछ लेसन सीखने थे अपने अपने एंड्स पर और कुछ रियलाइजेशन करनी थी अपने अपने एंड्स पर, तो वही आपने किया है। और वो जो जजमेंट एक दूसरे के तरफ आप रखते थे, वो कभी रिलीज नहीं हो पाता। जस्ट ट्राई टू रिकॉल दोज थिंग्स कि अगर आपने इस पर्सन के बारे में एक परसेप्शन बनाकर रखा था कि ये पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं और इस पर्सन का इस वे में एक अप्रोच रहता है और ये कभी वहां से सही नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, जो भी था आप दोनों के बीच में एक जजमेंट के चलते अगर आप इस पर्सन को छोड़ चुके थे, तो वो जजमेंट रिलीज करना चाहता था यूनिवर्स। एक लेसन शायद आपको सीखना था इस पर्सन के बारे में, ताकि आप इस पर्सन से वो जजमेंट रिलीज कर सकें, यू नो व्हाट आई मीन। सेम एज विद देम गाइस, इन्होंने भी आपके बारे में एक जजमेंट बनाकर रखा था, हो सकता है लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आप पर जजमेंट बनाना शुरू किया कि कंपैरिजन होना वहां पर शुरू हो गया था होगा कि ये पर्सन ऐसा है, आप ऐसे हो और इसीलिए हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा हैं और हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, यू नो। तो ऐसी अगर चीजें हुई थी, तो गाइज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर इनकी लाइफ में एक डीपेस्ट वे में रियलाइजेशन हुई है। सो एज विथ यू, आपने भी इस पर्सन की रियलिटी को फाइनली जाना है, आप समझ पाए हो कि यही पर्सन जो थे आपके लिए दी परफेक्ट थे, इनके अलावा कोई और पर्सन आपके साथ सूटेबल ही नहीं है। अगर आपने ट्राई भी किया है तो वहां से आप लोग हारे हो लिटरली। यहाँ पर द टाओ वाली एनर्जीज हैं, एक डीपेस्ट वे में एडवर्सिटी हुई है, किसी ने आपको बहुत ही डीप लेवल तक
ट्रिगरिंग दी थी जिसकी वजह से आपको एक रियलाइजेशन होनी थी, और ये यूनिवर्स भी हो सकता है, यूनिवर्स ने आपको इस लेवल तक ट्रिगरिंग दी होगी गाइस, फाइनली आप पहचान पाए कि हु इज योर किंग ऑफ वैंड, और आपके पर्सन ये पहचान पाए कि वो आप किसके लिए खुद को एक किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में देखते हैं, यानी कि दे रियली वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद देयर डिजायर, यानी कि डिजायर की बात हो रही है ना यहाँ पर, कि एक डिजायर जो मर सी गई थी वो दोबारा से जिंदा हो गई है, और वो डिजायर आप हो, वो विश की फुलफिलमेंट आप हो, और यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, यानी कि अगर इनको लगता था आप दोनों के बीच में एक मैरिज होनी थी या फिर एक यूनियन होनी थी, इस रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बातचीत हुई थी, लेकिन वो चीजें शिफ्ट हो गई थी ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और केओस जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था, तो फाइनली वो जो फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी स्पेंडिंग थी वो आपकी लाइफ में वापस से आ रही है। फोर ऑफ वैंड्स यानी कि 1111, यानी कि इट इज काइंड ऑफ एन अवेकनिंग इन द कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में एक अवेकनिंग हो रही है, कुछ नया शिफ्ट होने वाला है यहाँ पर। तो आप दोनों की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इंजॉय कीजिए, मतलब जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही। यहाँ पर हैंग्ड मैन, एस ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आप लोग फाइनली वो सारी चीजें अचीव कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना है थोड़ा सा, इन सारी चीजों को ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी भी आपको काफी सारी चीजें एक परसेप्शन के चलते अंडरस्टैंड करनी है गाइस। जब एक बार आप सारी बातों को एक डीपेस्ट लेवल पर अंडरस्टैंड करोगे, तो इस बार इस कनेक्शन में जंप इन करने से पहले आप अगर वो सारे डाउनलोड्स को हासिल कर लोगे, तो आप कोई गलती नहीं करोगे। आर यू गाइस मेकिंग एनी सेंस हियर? जो भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये आपके पर्सन भी कर रहे हैं, ये भी इन सारे टाइम पीरियड को काफी ज्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं, रुके हुए हैं, दे आर स्लोइंग डाउन, कि ये डिजायर क्या है, क्यों वापस से बिल्टअप हुआ है, और मेरा परसेप्शन क्यों चेंज हुआ, ये भी इवेंट बाय इवेंट, सिचुएशन बाय सिचुएशन और पर्सन बाय पर्सन चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे, और दैट इज व्हाई दे आर इन द हैंग्ड मैन सिचुएशन। और आप अगर एक फास्टेस्ट पेस में खुद को लेकर जाना चाहते हो, या फिर अगर आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी है कि जल्दी सारी चीजें क्यों शिफ्ट नहीं हो रही है, तो यू हैव टू स्लो डाउन हियर, और जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है उन सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। फाइनली तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ कप्स वाली एनर्जीज हैं ही, आप लोग जो भी चाहते हो एक दूसरे से वो आप फाइनली एक दूसरे को दे सकोगे। एक एडवेंचरस बिगिनिंग यहाँ पर होगी गाइस, बहुत ही ब्यूटिफुल बिगिनिंग यहाँ पर होने वाली है, जो आपको एक टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज की तरफ प्रोसीड करेगी, यू नो। तो ये काफी पॉजिटिव शिफ्ट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स में रात 10 बजे के बाद इस चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।